नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में दो विशेष शब्दों के बीच में डिफरेंस करेंगे। ये जो दो विशेष शब्द है वे है अल्यूजन और दूसरा है इल्यूजन। अल्यूजन और इल्यूजन में सबसे पहले हम लोग समानता को देखते हैं। अल्यूजन और इल्यूजन दोनों ही नाउन्स है, क्योंकि दोनों ही अपने साथ नाउन सफिक्स एस आई ओ एन को ले रखा है, और जिस किसी भी शब्द में शन सफिक्स होता है वह नाउन ही होता है। आप पैशन को ले ले, इरोजन को ले ले, तो ये सब सारे शब्द हमारे नाउन से ही है। ओके, तो ये हुआ पहला समानता। अब दूसरी समानता क्या है कि दोनों ही शब्द होमोफोन्स है, मतलब श्रुति समभिन्नार्थक शब्द है, क्योंकि दोनों ही शब्दों का प्रोनंसिएशन लगभग एक जैसा है, सिर्फ अ का और ई का डिफरेंस है। ओके, तो ये हुआ दो समानता इन दोनों ही शब्दों के बीच में। अब हम लोग जानते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स, इल्यूजन को अगर हम लेकर के चलते हैं तो इसका मतलब होता है भ्रम। हम लोग रेगिस्तान में दृष्टि भ्रम देखते हैं मृग मरीचिका के रूप में, तब हम लोग इस पर एक ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे कि द मिराज इन द डेजर्ट एरियाज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। कहने का मतलब यह हो गया कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में मृग मरीचिका एक दृष्टि भ्रम है। ओके, ये हुआ इल्यूजन से रिलेटेड एग्जाम्पल। अब हम लोग चलते हैं कि अल्यूजन पर आधारित एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स, अल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, मतलब हो गया अप्रत्यक्ष रूप से इशारा करने की क्रिया को अल्यूजन कहते हैं। इसके साथ प्रीपोजिशन जो आता है वह टू आता है। हम लोग इस पर एक सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे कि क्लास चल रही थी, क्लास में कुछ लोग चश्मे पहने हुए थे, और चश्मा पहने हुए लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से टीचर कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स चश्मा पहनते हुए पढ़ाकू नजर आते हैं। हालांकि उनको वो इंगित करके, डायरेक्ट इंगित करके नहीं कहते हैं, वह इनडायरेक्टली बोलते हैं कि जो भी चश्मा पहनते हैं क्लास में वे पढ़ाकू नजर आते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अल्यूजन किया, मतलब इनडायरेक्ट रूप से उन लोगों को इंगित करके कहा। तब वहां पर हम लोग इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे कि द टीचर टुक एन अल्यूजन इन ऑर्डर टू इंडिकेट द स्टूडेंट्स वेयरिंग अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स इन द क्लास। ओके, तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही शब्दों के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस हुआ। आशा करते हैं कि आप डे टू डे लाइफ में इसको काफी अच्छी तरह से डिफरेंशिएट करके केयरफुली आप इस्तेमाल कर पाएंगे। प्लीज, अगर लगे कि इस तरह के वीडियो लेक्चर्स आपको आपके जो वोकैबुलरी में इजाफा कर रहा है, तब प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।